people can make crores, but at 40, 45, how do you do that at a small age? There's only two simple things, speed and risk. Nobody can match my risk taking. Nobody can match my risk taking ability and nobody can match my speed. I know this. अभी ये फल मरा सिखाया मैंने आपको, कल तक आपको लगने वाले 7 दिन टू लॉन्च वन फनल, तब तक मैं 6 लॉन्च कर चुका हूँ, टेस्ट करके बाहर भी आ चुका हूँ, क्या करना है इसका, राइट? टू माई मास्टरमाइंड मेंबर्स आई टॉट दिस फनल, 1 महीने बाद आउट ऑफ 40 अराउंड 20-22 वुड हैव अप्लाइड द फनल, 20-22 ने, बाकी ने ईबुक लिखी केवल, लॉन्च नहीं किया अभी तक, ठीक है? आलसी, प्रॉपर आलसी लोग, जबकि इनके पास टीम है. Till then, I would have tested around 17 funnels alone myself. क्या डिफरेंस है ये? ये डिफरेंस है स्पीड का. I test faster than you guys. That's why I can know more than you guys faster. There's only one way to know from experience. तो काम करके ही समझ में आएगा. And that's why I work faster. The reason I can work faster is because I can take a risk and I'm not afraid of losing the money that I put in that risk. एक चीज बताऊं, कल हुई, कल हुआ लॉस, कितने का? 25 लाख का लॉस कल, कोई फर्क नहीं पड़ा. टीम में इतना ऊंचा मतलब अपने अपना काटा गया 25 लाख का, बोले हाँ, मतलब कोई बात नहीं. हॉटस्टार कितने लोगों ने सुना है? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है आईसीसी, यस. माय एड्स वर कमिंग ऑन टीवी, यू नो. So technically I become the first coach in India to run TV ads. I was coming on Hotstar ads. India-Pakistan match ke beech mein, iske beech mein. Hotstar business dekha hoga. Might or might not have seen my ad. Hotstar ke upar. Total investment I did was 25 lakh rupees. Now the ad we made was not so good because we did a whole production everything. But humko nahi pata TV ads kaise kaam karte hain. Humko sirf pata Facebook ads kaise kaam karte hain. We are the best at it. But TV ads nahi pata mujhe. I tried something out. Kuch socha aisa banate hain. Did not work out. Out of spending 25 lakhs, I got I think 1000 landing page visitors. That's it. 25 lakh mein. Gaya, ud gaya. Kabhi wapas nahi aayega wo. But what? Fine. Aage badho. Next, what did we do wrong? ये और ये. Next TV ad बनाओ. Let's use that then. और next crack करते. But अगर आपकी risk taking ability उतनी होती 25 लाख पे, आप shit. अब क्या होगा मेरा? And that self doubt would start kicking, and you're dead. Does that make sense? समझ आ रहा है? जब cash जब होता है, डर नहीं लगता आपको इससे. आप कोई ऐप बनाना, आप सीधा गूगल का डेवलपर उठा के लाओगे. 3 लाख सैलरी मिली, हाँ ठीक है ना भाई, 3 करोड़ पड़ा हुआ, चुपचाप बैठ. पर ये जब आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़ेगा, तब नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज यू डोंट हैव कैश रिजर्व्स. उसके लिए खुद को सैलरी देनी पड़ेगी. दिस इज द लेफ्ट ओवर अमाउंट यू पुट ओवर देयर. द बेसिक रूल यू कैन यूज फ्रॉम टुडे इज कॉल्ड एज 40% ऑफ सेल. लिखो 40% ऑफ कैश कलेक्टेड और सेल. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जैसे आप 1-to-1 जाओ और आपने लेट से क्लोज किया 20,000 के लिए, 40% कितना हुआ उसका? 8,000. टेक योर 8,000, सेंड टू मम्मी के अकाउंट में, खत्म. सिंपल रूल. व्हेन आई वाज एट 2-3 लाख समथिंग, आई यूज्ड टू डू दिस. जैसे ही पैसा आया 40% ऑफ अमाउंट सेंड टू सम अदर अकाउंट दैट यू कांट टच. क्योंकि मेरी मम्मी से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है और ये मुझे पता है, तो मैं मम्मी के अकाउंट में पैसे भेज देता हूँ. मम्मी सी 8,000 क्रेडिटेड, शी इज लाइक हैप्पी, वेरी गुड, नाउ आई कांट टच दैट मनी. अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो. क्लिक ऑन माय चैनल, सी ऑल द वीडियोस. इफ यू फील लाइक देयर आर वीडियोस व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू, देन सो क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस.